ओके, प्रॉब्लम नंबर वन, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू डी जेड इंटू जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड। दिस कैन बी राइट एज, ऐसे लिख सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ओवर कंटूर सी, और यहाँ क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड इंटू में डी जेड। ये जो यहाँ पर सी है, ये एक तरीके से आपका क्या है, वेयर सी आपका जो है वो क्या है, ओपन कंटूर है। और ये कैसा है, ये आपका कुछ इस तरीके से है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक आर्गन प्लेन है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपकी रियल एक्सिस और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो इधर आपका इमेजिनरी जेड है और इधर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये आपका ओरिजिन बन गया। अब जो कंटूर है वो किस तरीके से है कि ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका है 10 और ये कंटूर आपका यहाँ से चलता है ऐसे, और इसके बाद ये आपका ऐसे यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसे टर्न करेगा यहाँ पर, और यहाँ तक फिर कहाँ होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ इसने कहा, ये पॉइंट आपका -1 और क्या है 0 है। तो ओपन कंटूर है, तो ओपन कंटूर होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपकी कोची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता कि जो यहाँ का फंक्शन है, लेट कर लो कि ये आपका कोई ओपन कंटूर है यहाँ पे, और ये कोई फंक्शन एफ जेड है और ये यहाँ पर डी जेड है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सपोज करो, ठीक है, और मैं जो एफ जेड ले कर चल रहा है यहाँ पे, वो लेट कर लो यहाँ पे, एफ जेड क्या है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड। क्लियरली यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, क्लियर, देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है यहाँ पे। सो यूजिंग कोची इंटीग्रल थ्योरम वी कैन राइट एफ जेड बी जेड इक्वल्स टू 0, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन डिवाइड दिस इंटीग्रेशन इन टू पार्ट्स लाइक दिस, वन इज नथिंग बट फ्रॉम हेयर टू हेयर विच इज नथिंग बट कर्व सी। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या है, ओपन कंटूर सी है। तो ये तो लिया मैंने ओपन कंटूर सी एफ जेड डी जेड, और सेकंड पार्ट आपका हो गया यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर जब आप वैरी करोगे, सपोज कर लिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फ्रॉम ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस, और ये वाली जो वैल्यू आपकी है एफ जेड डी जेड, ये हो जाएगी आपकी इस इंटीग्रेशन के इक्वल। और ये आपको पता है, ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पर कंटूर सी में, तो ये क्या आपका जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड, और ये बन गया जेड माइनस, यहाँ पर लिमिट रखिए आप, -1 to +1 हो गया ना, -1 to +1, ये साफ साफ ये क्लियर है यहाँ पे, ये रियल एक्सिस है और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 0। तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा आपका जेड स्क्वायर और क्या आएगा ई टू दी पावर जेड, ये बन गया आपका डी जेड, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, इसका जो जब जेड को आप एक्स प्लस आई वाई पुट करोगे, सिंस जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स प्लस आई वाई, बट अलोंग दिस पाथ फ्रॉम एयर टू एयर एवरीवेयर, सभी पॉइंट्स पे, इस बात का ध्यान रखना कि सभी पॉइंट्स पर आपका वाई क्या है 0 है, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू क्या है आपका एक्स सिंस फॉर एवरी
जो भी आपका कर्व है अलोंग कर्व y इज जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दिस इंटीग्रेशन बाय माइनस वन टू प्लस वन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसे हम किससे कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई करो, दिस कैन बी कंसिडर फर्स्ट एंड दिस बी सेकेंड माइनस। अब अप्लाई करिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस, माइनस साइन पहले से आया तो प्लस, एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन टू एक्स एंड देन ई की पावर एक्स डी एक्स, और सारे की लिमिट होगी माइनस वन से प्लस वन। यहाँ पर आप पुट करिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ पर आपका आएगा टू एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एंड माइनस टू एज इट इज एक्स का वन हो जाएगा ई की पावर एक्स, और इस पूरे की लिमिट आपकी होगी माइनस वन से प्लस वन। अब इसमें लिमिट रखिए, आप लिमिट देखे कितनी होगी, दैट इज आई इक्वल्स टू, लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस वन रखो, माइनस ई प्लस टू ई एंड माइनस टू ई। अब आइए माइनस वन रखो, तो ये तो यहाँ पर माइनस ई टू दी पावर माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई टू दी पावर माइनस वन, यहाँ पर माइनस होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टू टू दी पावर टू ई टू दी पावर माइनस वन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और फिर टू ई टू दी पावर माइनस वन। क्लियर है, चलिए ये आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये बन गया माइनस ई प्लस, ये बन गया आपका फाइव ई टू दी पावर माइनस वन, दैट इज माइनस ई प्लस फाइव बाय ई, दैट मीन्स द आंसर इज फाइव बाय ई माइनस ई। ओके, दिस इज योर आंसर, पहले चेक कर लेते हैं, ओके ठीक है, फाइव का सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 विच इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड विच इज इक्वल टू जेड बाय साइन पाई जेड स्क्वायर। ओके नाउ वॉट इज क्वेश्चन, द फंक्शन जेड बाई साइन पाई जेड स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड हैज, फर्स्ट ऑप्शन इज ए सिंपल पोल एट जीरो एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर टू एट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एन, दैट मीन्स हमें यहाँ पर इसके पोल्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन सी हेयर इफ यू ओपन दिस सीरीज, ओपन द सीरीज ऑफ साइन देन दिस जेड विल बी कैंसिल आउट, दिस जेड विल बी कैंसिल आउट। सो to determine the poles see carefully here. For singular points
साइन पाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है ना, एंड साइन विल बी इक्वल टू जीरो फॉर साइन जीरो कोमा साइन पाई कोमा साइन टू पाई एंड ऑल्सो प्लस माइनस ओके एंड सो प्लस माइनस सो पाई जेड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस टू पाई एंड सो ऑन दैट इज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ओके जीरो प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन ओके नाउ सी हियर देर आर टू कैटेगरीज देर आर थ्री कैटेगरीज देर आर थ्री इंपॉर्टेंट केसेस सी केयरफुली केस फर्स्ट when z square equals to 0 implies that z will be equals to 0 but if z equals to 0 is a singular point then we can expand sin pi z square about 0 first of all see now we will try to expand this function about z equals to 0 then we get z by what is the series of sine series kya hoti hai aapki z minus z cube by factorial 3 yeah oh 3 okay so z means pi z square माइनस पाई जेड स्क्वायर टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री एंड सो ऑन एटसेट्रा सो सी हियर जेड इज कैंसिल आउट बाय जेड सी हियर क्लियरली जेड इज कैंसिल आउट बाय जेड जेड से जेड कट जाएगा जब जेड से जेड कट जाएगा तो आप इस क्वांटिटी को सिंगुलर पॉइंट्स के लिए जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक ही जेड आपको कॉमन मिलेगा एक ही जेड मिलेगा ना तो एक जेड जब आपको कॉमन मिलेगा तो ओनली ऑन कितने सिंगुलर पॉइंट मिला आपको जेड की पावर वन है ना तो एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा पावर कितनी होगी एक दैट मीन जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा वन होगा सिंप्लीफाई करोगे तो यह कुछ ऐसा मिलेगा आपको वन अपॉन आप यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर आपको जेड मिल जाएगा या पाई जेड स्क्वायर ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर जेड लिखोगे तो वन माइनस पाई जेड स्क्वायर टू दी पावर टू अपॉन थ्री एंड सो ऑन ऐसे आपको कुछ मिलेगा अब यहाँ पर आपका एक जेड से जेड कैंसिल आउट होगा तो इसमें आपका जो सोल होगा मिलेगा फंक्शन ये आपका कुछ ऐसे से आ जाएगा तो ये तो सिंगुलरिटी प्रो कंडीशन क्रिएट नहीं कर रहा कौन कर रहा है ये वाला इस वक्त अबाउट जेड इक्वल्स टू जीरो पर ये वाला कर रहा है और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर वन सो द ऑर्डर ऑफ दिस सिंगुलर पॉइंट विल बी वन है ना ऑर्डर कितना हो गया नॉट टू टू नहीं है कितना है वन अब आगे चलो अब आगे क्या है कि सेकंड केस क्या है सेकंड केस इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स फैक्टोरियल में नहीं आता साइन में 315 कुछ इस तरह से चलता है शायद या 3 आता होगा लिख लो कोई बात नहीं ऐसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक हाँ यही आएगा ए की पावर एक्स के कारण चलिए सो नाउ हियर ये क्या मिलेगा यहाँ पर आपको जेड स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वन टू थ्री एंड सो ऑन देन जेड विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एन दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑर्डर कितना होगा इसका टू क्योंकि यहाँ पर तो कैंसिल आउट करने के लिए जेड प्लस माइनस अंडर रूट एन को कोई है ही नहीं ऊपर क्योंकि यदि इस फैक्टर को कैंसिल आउट करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा जेड
जेड माइनस वन या जेड माइनस अंडर रूट टू लाइक दिस टर्म आपको ऊपर चाहिएगी और मैं कैंसिल आउट होने की, इसलिए ऑर्डर इसका कितना होगा टू। सिमिलरली जो केस थर्ड है आपका वो किसके लिए है, इफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री अप टू माइनस एन, देन जेड विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस वाट आई अंडर रूट एन, सेम एज ऑर्डर विल बी टू। तो ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, ये आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। ए सिंपल पोल एट जीरो एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर टू एट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एन एंड जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आई अंडर रूट एन फोर एन इक्वल्स टू वन टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो करे नहीं करा नहीं है कभी अभी तक, तो करने तो पूछने तो नहीं भेजा।